मित्रों बागेश्वर धामना संत एवा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आजकल गुजरात प्रवासे छे। राजकोट अमदावाद सूरत जेवा शहरों में तेनी कथा योजाशे। एवा मां घणा लोको तेना पर सवाल उठावी रह्या छे के आ बाबा ढोंगी छे, देश में अंधश्रद्धा फैलावी रह्या छे। तो मित्रों शू छे आ बाबानी हकीकत? शू ते चमत्कारिक संत छे के पछी बीजा बधा बाबाओनी जेम पाखंडी? आज आ वीडियो में तमने खबर पड़ी जशे, तेथी ध्यान ते आ वीडियो अंत सुधी जरूर जुओ। शुरुआत करिए ते पहला एक लाइक करीने नवा व्या छो तो चैनल सब्सक्राइब करी लेजो। मित्रों आजकल श्री बालाजी बागेश्वर धामना चमत्कार नी चर्चा मात्र देश में ज नहीं परंतु विदेशों में पण थई रही छे। पण मित्रों बागेश्वर धाम में थई रहेला चमत्कार नु सत्य घणा लोको नथी जाणता। आ धाम नी सत्यता विषे वात करिए तो अहींना महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज देशभर में बालाजी सरकार तरीके ओळखाय छे। तेमनो जन्म छतरपुर ना एक नानकड़ा गाम गड़ानी अंदर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में थयो हतो। परंतु शू मित्रों तमे जाणो छो के आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी समग्र देश में एक महान विद्वान ने गुरु तरीके ओळखाय छे, तेनी पाछळनु सत्य शू छे? तो मित्रों तमने जणावी दईए के बागेश्वर धाम ना शास्त्री जी महाराज हनुमान जी ना परम भक्त छे। तेणे 12 वर्षनी नानी उमरथी ज बालाजीनी सेवा करवानुं शरू कर्युं हतुं। आ तेमनी तपस्यानुं ज फळ छे के आजे तेओ कोई पण व्यक्तिनुं दुःख तेमने जाण कर्या विना एक कापलीमां लखी नाखे छे। आटलुं ज नहीं, ते कोई पण व्यक्तिनो चेहरो जोईने जाणी शके छे के ते मनमां शुं विचारी रह्या छे। तेमना द्वारा लखायेला दरेक शब्द 100% सत्य साबित थाय छे। खरेखर मित्रों आज सुधी कोई पण व्यक्ति तेमने झूठा साबित नथी करी शक्युं। मित्रों दरेक व्यक्तिनी अरजी बागेश्वर धाम में स्वीकारवामां आवे छे अने लोको कहे छे के श्री बालाजी सरकार जे व्यक्तिनी अरजी स्वीकारे छे तेना अथवा तेना परिवारना कोई पण व्यक्तिना सपनामां सतत 2 दिवस सुधी वांदरो देखाय छे अने आ वात बिलकुल सत्य छे। कारण के जे लोकोनी अरजीओ स्वीकारवामां आवी छे तेओने सपनामां वांदराना दर्शन थया छे। मित्रों आ धामनी सौथी खास वात ए छे के अहीं भूत प्रेत अने काळा जादूथी पण मुक्ति मळे छे। एवुं मानवामां आवे छे के आ धाम 300 वर्ष जूनुं छे अने अहीं हनुमानजीनो वास छे, जेना कारणे અહીં આવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપરથી ભૂત પ્રેત આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે। આ પાછળનું સત્ય તમે જાણો છો કે હનુમાનજીથી ભૂત પ્રેત ડરે છે, તેથી જે હનુમાનજી હોય ત્યાં ભૂત પિશાચ દૂર ભાગે છે। આ રીતે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજીની અલૌકિક શક્તિ અને સિદ્ધિઓના કારણે અહીં ભૂત પ્રેતમાંથી પણ મુક્તિ મળે છે। તો મિત્રો આ છે બાગેશ્વર ધામનું સત્ય। અહીં આવનાર તમામ લોકોની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે બાલાજીની કૃપાથી। મહારાજ ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીજી દરેકના દુઃખ દૂર કરે છે। મિત્રો તમને શું લાગે છે, આ એક ચમત્કારિક બાબા હશે કે પછી ઢોંગી? તમારું મંતવ્ય નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો ને જેમ બને તેમ આ વિડીયો શેર કરો। ધન્યવાદ।